नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। फिर से आप लोगों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे बनाए गए वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लग रहा है और मैं देख भी रहा हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छा से हमारी वीडियो को फ्लो कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, देख रहे हैं। इस बात की हमारी बहुत ही खुशी है। तो चलिए दोस्तों, आपका समय ना लेते हुए फिर से हम एक नए लॉजिक और एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं IGBT के बारे में, जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, जो हमारे इलेक्ट्रिकल में, हमारे इंडस्ट्रियल में भी इस डिवाइस को लेकर, इस डिवाइस के ऊपर बहुत सारे सर्किट, बहुत सारे कंट्रोलिंग डिवाइस बनाए जाते हैं। नॉर्मली हम लोग का इंडस्ट्रियल में IGBT का यूज होता है, VFD ड्राइव में, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव में, जो एसी ड्राइव से, नॉर्मली एसी ड्राइव के नाम से हम लोग जानते हैं, और जिस उस सर्किट के द्वारा हम क्या करते हैं, मोटर को स्मूथली रन कराते हैं और साथ में RPM को भी कंट्रोल करते हैं। और RPM का कंट्रोल करना मत मीन्स फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके RPM को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा इस IGBT पार्ट्स का बताने का मेन मोटिव यही है, जो मैं नेक्स्ट कल क्लास करवाऊंगा, उस क्लास में मैं VFD के बारे में क्लास करवाऊंगा कि VFD जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव है, वो ड्राइव किस लॉजिक से हमारा फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है और किस लॉजिक से हमारे मोटर को रन करवाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले उस ड्राइव में जो हम IGBT पार्ट्स यूज करते हैं, उस IGBT पार्ट्स के बारे में यदि हमारी जानकारी नहीं रहेगी तो हम उस ड्राइव को समझना मुश्किल होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं IGBT के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। तो IGBT जैसे मैंने अभी कहा कि IGBT एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स है, जिसको हम इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या कहते हैं? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ऐसे तो ट्रांजिस्टर बहुत सारे होते हैं, जो जिसमें ये ट्रांजिस्टर का एक अपना अलग काम है और अपना एक अलग भूमिका है। ये दो ट्रांजिस्टरों का मिश्रण है। ठीक है दोस्तों, दो ट्रांजिस्टरों का मिश्रण है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बात को समझिए, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दोनों का प्रॉपर्टीज पाया जाता है इस ट्रांजिस्टर में, दोनों का गुण पाया जाता है, दोनों का मिश्रण पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि ट्रांजिस्टर का मेन जो काम होता है एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीफाई करना। ठीक है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर का काम अपना एक अलग काम है। इस ट्रांजिस्टर का मेनली काम होता है स्विचिंग करना, बंद चालू करना, ऑन ऑफ करना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो कैसे ऑन ऑफ करता है इसके बारे में मैं सिंबल, इसका सिंबल बनाकर मैं आपको समझाता हूँ। IGBT का जो सिंबल हो गया, ऐसे तो ट्रांजिस्टर का सिंबल आप लोगों को पता है। ठीक है, ये हो गया IGBT का सिंबल। इसका तीन लूप होता है, तीन टर्मिनल होता है। ये टर्मिनल, एक टर्मिनल जिसको हम लोग गेट कहते हैं, दूसरा टर्मिनल जिसको हम लोग कलेक्टर कहते हैं, और तीसरा टर्मिनल जिसको हम लोग इमीटर कहते हैं। ठीक है, गेट, कलेक्टर, इमीटर। ठीक है, IGBT का तीन टर्मिनल होता है, गेट, कलेक्टर, इमीटर। ठीक है दोस्तों, अब जानने की बात यह है कि यह हमारा जो पार्ट्स है वो स्विचिंग कैसे करता है। जैसे ही मैंने यहां पर कलेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई चार्ज किया, कलेक्टर में पॉजिटिव सप्लाई चार्ज किया, और इमीटर में मैंने नेगेटिव सप्लाई चार्ज किया। ठीक है दोस्तों, नेगेटिव सप्लाई चार्ज किया, बस चार्ज किया, पार्ट्स एक्टिवेट नहीं हुआ। एक्टिवेट कब होगा? गेट को हम जैसे ही फायरिंग कमांड डालेंगे, गेट को जैसे ही हम क्या करेंगे, फायरिंग कमांड, गेट को जैसे हम फायरिंग कमांड डालेंगे, ठीक है, वो हो सकता है माइक्रो प्रोसेसर हो, या माइक्रो कंट्रोलर हो, या PLC हो, या DCSA हो। ठीक है, जिस कंट्रोलर से हम इसको फायरिंग कमांड डालेंगे, जिस टाइमिंग से डालेंगे, जिस सेकेंड से डालेंगे, मतलब ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा क्या होगा, जल्दी से चालू बंद होगा। जैसे आप जानते हैं, हमारा कोई भी वोल्टेज या करंट कोई भी पाथ में जो फ्लो करता है वो 50 साइकिल प्रति सेकंड, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से फ्लो करता है। मान के चलिए ये जो हमारा साइन वेव है,
ये जो हमारा साइन वेव है ये 50 साइकिल प्रति सेकंड पे जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। माने 50 पर बंद होता है, 50 पर खुलता है, 50 पर बंद होता है, 50 पर खुलता है, जो स्टैंडर्ड हमारा 50 हर्ट्ज साइकिल प्रति सेकंड है, 50 हर्ट्ज जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जो वोल्टेज या करंट जो फ्लो होता है 50 साइकिल प्रति सेकंड से फ्लो होता है। इसी 50 साइकिल प्रति सेकंड को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, IGBT पार्ट्स लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसका काम है बंद करना चालू करना, बंद करना चालू करना, ठीक है ना। इसीलिए हम इसको जैसा ही जिस हिसाब से फायरिंग कमांड देंगे इसके गेट में, जिस हिसाब से हम फायरिंग कमांड देंगे, यदि कम फायरिंग कमांड देंगे तो आस्ते आस्ते खुलेगा, आस्ते आस्ते बंद होगा। तो क्या होगा, मान के चलिए नॉर्मली जो 50 हर्ट्ज में कंप्लीट होता है, यदि आस्ते आस्ते हम इसको फायरिंग कमांड देंगे, और हम इसको चाहें तो 40 हर्ट्ज में भी कंप्लीट करा सकते हैं, हम इसको चाहें तो 30 हर्ट्ज में भी कंप्लीट करा सकते हैं, ठीक है ना। साइकिल जो प्रति सेकेंड है वो हम इसको 5 हर्ट्ज में भी कंट्रोल करा सकते हैं। यही कारण है इस IGBT का यूज करके हम फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में, कल का क्लास या परसों क्लास जो भी करवाऊँ, उस क्लास में मैं VFD ड्राइव के बारे में आपको बताऊंगा। और VFD ड्राइव को जानने से पहले इस पार्ट्स का जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी था, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जैसे ही VFD क्लास में करवाऊँ, VFD ड्राइव के बारे में क्लास करवाऊँ, ताकि आपको समझने में सुविधा हो और आसानी हो। नमस्कार दोस्तों।